नमस्कार दोस्तों, सीने में जलन से हम और आप अक्सर परेशान रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कब्ज, एसिडिटी। अगर ये परेशानी किसी बच्चे को हो तो ऐसे में हम क्या करें? इस वीडियो में आज हकीम सुलेमान खान साहब आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो आप अपना सकते हैं। अगर आपके बच्चे को भी सीने में जलन की परेशानी है तो ये नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, एक आती है बेल पत्थर, इसका मुरब्बा आता है। पत्थर बेल तो सभी जानते हैं और मुझे लगता है आप भी गांव वाले हैं हमारी तरह। तो पत्थर बेल का मुरब्बा एक पीस रोज़ाना सुबह को खाली पेट इनको खिला दिया करिए। बेल पत्थर का मुरब्बा किसी भी दुकान पर मिल जाएगा, जो आयुर्वेद की या हर्बल दुकानें होती हैं उस पर मिल जाएगा। रोज़ाना एक सुबह को खाली पेट खिला कर पानी पिलाया करें। और रात के समय आपको ये करना है कि खशखाश तो सभी महिलाएं जानती हैं, खशखाश लें एक चम्मच में, जितनी आए छोटे चाय के चम्मच में, और भर के लें और उसको खूब बारीक पीसें, दूध में इतनी बारीक पीसें कि बिल्कुल बारीक हो जाए। अब इसको आप बच्ची को एक गिलास दूध रोज़ाना रात को पिला के सुलाया करें, ठीक होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। बाला से हैं सुरजीत कौर, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार हकीम साहब। जी आदावर, जय हिंद। डॉक्टर हकीम साहब, मेरे ना तेजाब बहुत बनता है, दर्द पड़ती है, तेजाब बनता है जब। आपकी उम्र कितनी है? 43 साल। ठीक है बेटे, देखो जैसे बहुत पुरानी बीमारी है तो आप एक नुस्खा बना लें, आसान है बहुत। मेथी 100 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, इनको पाउडर बना लें। और एक आता है नमक जैतून, ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, ये पहचान है। नकली मत लेना, असली लेना, ये नकली भी मिल जाता है। अब ये पाउडर जो आपने बनाया है, 100 ग्राम मेथी और 200 ग्राम धनिया का, ये एक चम्मच लें और उसमें एक या दो चुटकी नमक जैतून मिलाकर खाने से आधा घंटा पहले खाएं, दिन में एक बार या दो बार, शाम को भी ले सकते हैं खाने से पहले। ये अगर आप लगातार 2-3 महीने लें तो पेट के बहुत सारी बीमारियों के लिए, देखिए तेजाब, एसिड, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, लीवर के लिए और यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए और बहुत सारे रोग के लिए ये एक बड़ा फ़ायदेमंद नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, पंजाब से हैं लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। नमस्कार वीर जी। आदाब, जय हिंद। वीर जी, ये है ना, एक भाई है, उसको ना 8 साल हो गए, पहले तो खांसी बहुत रहती है और अब उसको ना 2 महीने से शुगर भी हो गया। उसके लिए एक नुस्खा बताएं। और एक बच्चा है 4 साल का, आपने बताया था उनको बादाम का रोग दूध में देने के लिए, इसको कब्ज बहुत रहती है। हाँ, ये तो देते ही रहें, जो बादाम का तेल है, और थोड़ा सा और बढ़ा दें और देते रहें लेकिन। और वो ये जो नमक जैतून बताता हूँ, ये बस एक चुटकी एक गिलास पानी में मिलाएं और उसमें कुछ मिला दें उसके शौक की चीज़, जैसे वो ठंडा पीते हैं बच्चे या कोई शरबत बहुत शौक से पीते हैं उसमें मिला दें, या खाना खाता है तो उसमें मिला दें एक चुटकी में जितना है बस, और एक ही टाइम देना है तो इस बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये असल दवा जो है वो रोगन बादाम है जो आप दे रहे हैं, और धीरे धीरे आंतों में ताकत जाएगी और बच्चे को फायदा होना मुमकिन है। दूसरा सवाल क्या था?
कब्ज की शिकायत थी और खांसी और शुगर है, एक पेशेंट है उनको। हाँ, कब्ज़ के लिए तो देखिए अच्छा नुस्खा जो मैं बताता हूँ वो वही है, 100 ग्राम मेथी, 200 ग्राम धनिया पाउडर बना लें और इसमें एक दो चुटकी एक चम्मच में मिलाकर, नमक जैतून, और दिन में दो बार पानी से खाने से पहले आधा घंटा पहले लें तो बहुत अच्छा है, दिन में एक बार या दो बार। एक तो ये, और खांसी जो नहीं रुकती है, अगर टेस्ट नहीं कराया हो तो टीबी का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, जब आदमी को 15-20 दिन से ज़्यादा खांसी आए तो कराना बेहतर है। और वैसे आप समझदार हैं, आपने कराया ज़रूर होगा, फिर भी मैं एहतियातन कह रहा हूँ क्योंकि और भी बहुत से लोग सुन रहे हैं तो उन तक भी ये बात पहुँच रही है। अच्छा, खांसी के लिए आप पीपलें आती हैं ना, पीपलें, वो आधी पीपल ऐसे तोड़ के मुंह में रखें, चबा चूसते रहें, फिर नरम पड़ जाए चबा के खा लें और गर्म पानी पी लें। ये अमल दो टाइम करें दिन में, खाने से पहले, खाने के बाद, कभी भी गर्म पानी खूब कसरत से पिलाएं और फिर आप हमें बाद में शेयर कर सकते हैं कितना फायदा इनको हो गया। गाजियाबाद से हैं आरबी शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। अच्छा, नमस्कार। आपने कुछ नुस्खों में मकोए का पत्ता और कासदी का पत्ता लिखवाया है सर जी, लेकिन वो पत्ते बाजार में मिलते नहीं, वो तो हमारे जंगल की चीजें, शहर में जंगल रहे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसकी जगह कोई इसका ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट बता दो जिससे को 30-40 उसके आपके भी खराब ना हो। क्या नुस्खा है वैसे? मकोए का पत्ता, कासनी का पत्ता, सौंफ, और इसके अलावा कलमी शोरा, ये तो प्रोस्टेट के लिए बताया था, जितने भी आपके लीवर के नुस्खे हैं सबके अंदर वो है, खून साफ करने के लिए अंदर वो है, कासनी का पत्ता और मकोए का पत्ता, 30-40 उसके आपके ऐसे हैं जो मैंने नोट किए हैं, सब में यही पत्ते हैं लेकिन बाजार में मिलते नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, मैं इस हिसाब से बात करता हूँ कि गांव वालों तक ये जो मजहबी चैनल है ना, ये गांव वालों तक बहुत पहुँचते हैं सारे चैनल, तो गांव वाले तो ऐसे ही उखाड़ के ले आते हैं ऐसे पेड़ों को और घर में सुखा लेते हैं, लेकिन परवाह नहीं करें। आप इसमें गिलोय ले लें, गिलोय सूखी भी मिलती है, सूखी भी गिलोय, हम वजन गिलोय मिलाएं इसमें और धनिया मिलाएं, तो ये भी उसी का काम करेंगे वर्म दूर करने का। और एक चीज़ आती है नमक जैतून, नमक जैतून भी जब खुराक खाया करें तो एक चुटकी उसमें मिला लिया करें एक चम्मच में इसके पाउडर में, तो गिलोय और धनिया मिलाकर ये दोनों उसका काम करेंगे। और ये नमक जैतून एक चुटकी एक चम्मच में मिलाकर दिन में दो बार लिया करें, आपको फायदा होना मुमकिन है। जी मध्य प्रदेश से हैं पायल, स्वागत है आपका। हाँ, मेरी मम्मी के लिए हमने कौन सिया बुलवाया था, अब वो ठीक हैं, उनके पैर दर्द ठीक हो गए हैं। अरे बहुत बहुत मुबारक पायल बच्चा, आपने अपनी आपने अपनी मम्मी को फायदा पहुंचा दिया, बहुत बहुत मुबारक। मेरा आदाब कहिए, मम्मी को सलाम कहिए जी। और मेरा भाई है, उसके चेहरे पे बहुत बड़े बड़े पिंपल्स हो रहे हैं, मतलब वो पक जाते हैं। अच्छा बेटा, मैं देखो आप हमारे साथ जुड़ गए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, एक बच्ची हमारे साथ जुड़ी जिसने पूरा अमल किया और अपनी माँ को दर्द से निजात दिलाई गौंसिया के जरिए। अब जो जिनका माजून आरकेयर चल रहा है उन्हें 5-6 महीने खाना है बेटा, और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर की दवा ले सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं है। ये अपने सही वक्त पर उनको पूरा फ़ायदा पहुंचाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि वो बच्ची खट्टी चीज़ तो नहीं खाती, खट्टी चीज़ मत खाने देना 5-6 महीने, नहीं तो 1 महीना और ज़्यादा इलाज करना पड़ेगा। भाई के लिए बहुत अच्छा एक गोंद आता है, वो भी असली लेना है, जैसे आपने गौंसिया लिया है ऐसे ही गौंद, मोरिंगा सफ़ेद मिलता है, बहुत नकली मिलता है, असली ले लें। 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर भाई को पिलाएं, दूध में मिलाकर पिलाएं या नारियल पानी में मिला कर, जैसे भी आपके हालात हैं, आप रईस हैं तो नारियल पानी, गरीब हैं तो पानी, और मुझ जैसा हालात है तो दूध में मिला के
पिला सकते हैं, मैं तो बीच वाले हालात का हूँ ना, तो ये इनको दीजिए, आपके दोनों भाई बहन का ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं सुल्तानपुरी से गोकरण लाल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। हाँ हकीम साहब आदाब। आदाब, जय हिंद, वेलकम। वैद जी ऐसा है कि हमारे ये जो पोता है इसके ऊपर एक गिल्टी निकल आई है करीब 10-15 दिन से। जी। और ये गिल्टियां थोड़ी देर लेट जाते हैं तो ठीक हो जाती है, दर्द करती है ये, तो इसका क्या उपचार है कि ये ठीक हो जाए? ठीक। एक आता है जिसे कहते हैं टेसू के फूल, टेसू के फूल पीले पीले होते हैं, और ये फूल एक मुट्ठी भर के आप गरम गरम पानी में डाल दें और ढक दें। अभी कुछ देर बाद ये गरम हो जाएंगे, तो फिर ये निकाल के और इतने गरम हो कि आप उस जगह पर रख कर बांध कर सो जाएं। ये दिन में भी कर सकते हैं। अच्छा याद रखना, ये पीले पीला रंग हो निकलता है इनमें से, फूलों में से कुदरती, और वो बेड ख़राब कर सकते हैं, कपड़े ख़राब कर सकते हैं, तो उसका इंतज़ाम ज़रूर रखें कि बेड कुछ ऐसा पॉलीपैक में करके बांधें या कैसे बांधते हैं ये आप जानें। ऐसा आप कम से कम 2 हफ्ते करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी दिल्ली से हैं रमेश चौधरी जी, स्वागत है आपका। हाँ तो बात ये है कि मेरे को जो है ना लैट्रिन जो है क्लियर नहीं होती, और भूख लगती नहीं है, भूख तो लगती नहीं है बिल्कुल, और सब्जी से रोटी नहीं खा सकता मैं, उससे मीठे से खाता हूँ या चाय से खाता हूँ। आपकी उम्र कितनी है? 67। हाँ देखिए हाजमा मैदा ठीक नहीं है, उसे ठीक कर लीजिए। सौंफ, सौंठ, अजवाइन, धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, मेथी का दाना, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, मेथी, धनिया और ज़ीरा, ये सब चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें। और एक आता है नमक जैतून, ये 100 ग्राम लेकर अलग रखें, ये 1 चम्मच खाएं खाने से 1 घंटा पहले, और नमक जैतून 2 चुटकी इसमें मिलाकर नाश्ते से 1 घंटा पहले और रात को खाने से 1 घंटा पहले ये खाया करें, और धीरे धीरे आपके पेट के पूरा सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और शायद 2-3 महीने लग जाएं आपको पूरा फ़ायदा होने में।